नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दुष्कर्म के नियत से घर में घुसे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बंशीधर नगर पुलिस ने शुक्रवार की रात कोल जिकी गांव निवासी अरुण प्रजापति के घर में दुष्कर्म की नियत से घुसे राहुल ठाकुर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शनिवार को माया देवी पति अरुण प्रजापति के आवेदन पर राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। थाना को दिए आवेदन में माया ने लिखा है कि मेरे पति सीमावर्ती सोनभद्र जिले के ओबरा में काम करते हैं, माह दो माह में घर आते हैं। एक वर्ष से मेरे ही गांव का राहुल ठाकुर पिता चंद्रदेव ठाकुर मुझे अपने जाल में फंसाना चाह रहा था। इसकी जानकारी मैं अपने पति को दी। मेरे पति राहुल को समझाने पर बार डराने धमकाने लगा। कुछ दिन पूर्व राहुल घर में मुझे अकेला पा मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और एक मोबाइल छोड़कर चला गया। कहा कि इस संबंध में किसी को नहीं बताना, नहीं तो जान मार देंगे, जान से मार देंगे। इसकी सूचना पति को दी। पति गत 22 दिसंबर को घर आए और लुक छिप कर राहुल को देखने लगे। उसी रात करीब 12 बजे वह घर में घुस गया और मुझे डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। तब तक मेरे पति राहुल को दबोच लिया और हल्ला गुहार किया। गुहार सुन गांव घर के लोग आए और समझा बुझा कर राहुल को भगा दिए। पुनः 23 दिसंबर की रात्रि करीब 7:30 बजे राहुल मेरे घर में घुस गया और जान से मारने की नियत से मेरे पति के साथ मारपीट करने लगा। किसी तरह मेरे पति बाहर निकलकर उससे घर में बाहर से बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके से राहुल को गिरफ्तार कर थाने ले आई। इस संबंध में थाना प्रभारी नितेश कुमार सिंह ने बताया कि राहुल के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे ग्रीन लाइन न्यूज के साथ।